नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसके दो रीज़न हैं। पहला, मैं आज आप लोगों को विजिट कराने वाला हूँ मेरा गांव, और दूसरा कारण है आज से हम करेंगे साइकिल ब्लॉगिंग। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक ट्रक ड्राइवर था इससे पूर्व, और कुछ कारणों से लास्ट 3 मंथ से मैं ट्रक में नहीं जा रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए। तो मेनली मेरे लाइफ में यह था कि मैं काफ़ी घूमता फिरता था। मैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में जा चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पर हूँ, और मुझे यहाँ अजीब टाइप का एक घुटन सी हो रही थी। तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं अब से साइकिल ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं कि मैं मोटरसाइकिल से ब्लॉगिंग कर सकूँ। तो इसमें मैं आपको अपने आसपास के क्षेत्रों के गांव का दौरा कराऊंगा। तो फिर आइए चलते हैं फिर मेरे गांव की ओर। आज मैं आपको विजिट कराऊंगा अपना गांव। सो गाइस, लेट्स कम विद मी। अभी मैं खड़ा हुआ अपने गांव के मुहाने पर। तो आइए आप लोगों को अब मैं विजिट कराऊंगा अपना गांव। लेट्स कम विद मी गाइस। मेरा गांव रायगढ़ जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर नॉर्थ की ओर बिलासपुर सारंगढ़ मुख्य मार्ग के समीप स्थित है, और करंट में यह अभी सारंगढ़ नगर पालिका का वार्ड नंबर 10 का एक हिस्सा है। गाइस, अपन जब भी गाँव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनने लगती है, हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल ऐसा ही है मेरा गांव। तो आज मैं आपको अपने गांव के कुछ नज़ारों से वाकिफ कराने की कोशिश करूंगा, और मेरे गांव से जुड़ी सारी एक एक बातें आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे गांव की ओर। यह जो आप देख रहे हैं, यह गाँव का मुख्य रास्ता है जो पीछे जा कर के बिलासपुर सारंगढ़ मुख्य मार्ग से जुड़ता है। राजस्व विभाग में दर्ज अभिलेखों और गांव के बुजुर्गों के कहे अनुसार 1880 के दशक में राम प्रसाद सोनार, जो कि नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति दौलत राम सोनाकार के पिताजी थे, उन्होंने इस गांव को बसाया था। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी का कार्य करते हैं। आइए मैं आपको कुछ मुख्य जगहों को दिखा देता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं, यह है गाँव का शनि मंदिर। पीछे विद्यालय दिख रहा है, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ। कुछ ही समय पूर्व, तकरीबन 10 वर्ष हो गए, यहाँ 8वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। इससे पहले सिर्फ प्राथमिक शिक्षा स्तर तक का ही व्यवस्था था हमारे गांव में, किंतु अभी 8वीं क्लास तक की स्कूल यहाँ लगती है। आइए कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँ। मूल रूप से यह गांव खड़िया ट्राइबल कम्युनिटी होती है, उनका गांव है। आदिवासी समुदाय यहां बहुत आज से निवास करती है। खड़िया ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, जो अभी
लोहरदग्गा गुमला और सिमडेगा जिलों के नाम से जाना जाता है। उन्हीं जिलों से वर्षों पूर्व पलायन करके हमारे छत्तीसगढ़ और इस गांव के कई जगहों में आकर के बस गए। इन्हीं समुदाय से मैं भी बिलोंग करता हूँ। आदिवासियों के अलावा मेरे गाँव में सतनामी समाज की भी अच्छी खासी आबादी है। पूरी अगर जनसंख्या देखी जाए इस गाँव की तो वह तकरीबन 600 के करीब है, जिसमें आदिवासी सतनामियों के अलावा अन्य समाज के भी लोग निवास करते हैं। मेरे गांव की कृषि भूमि असिंचित भूमि की श्रेणी में आती है। यहां के किसान केवल मानसून के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। यद्यपि कुछ किसानों ने अपनी भूमि पर बोरवेल खनन करवाया हुआ है, किंतु वह बोरवेल पर्याप्त पानी नहीं देते, क्योंकि यहाँ का जल स्तर बहुत ही नीचे है। पेयजल के लिए सारे ग्रामवासी हैंडपम्प का पानी उपयोग करते हैं, जो गर्मियों के दिनों में सूख जाता है। हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेल दोस्तों, यह थी कुछ बातें मेरे गांव की। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे गांव का बीच मोहल्ला। तो वही आपको मैं ले चलूँ गांव का बीच मोहल्ला। यह जो पीछे आप देख पा रहे हैं, यह किराना दुकान है। वेल गाइस, अभी हम खड़े हैं गांव के बीच मोहल्ले में। हर गांव में इस तरह का एक जगह होता है जो पूरे गांव के बीच में स्थित होता है, तो इसी तरह का यह एक जगह है पूरे गांव के बीचों बीच स्थित। तो आप यह पीछे देख सकते हैं। वर्षों पहले जब यह गांव बसा तो सारी आबादी यही निवास करती थी। यह जो आप पीछे पीपल का पेड़ देख रहे हैं बहुत ही पुराना है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी। इसी के छांव तले हम लोग खेल कर बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा आपको मेरा गांव कैसा लगा, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी यह कोशिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, गांव वह इकाई है हमारे भारतीय संस्कृति की, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम की भावना से मिलकर रहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम गांव से हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपका दोस्त संजय आपसे विदा लेता है। तब तक लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।